ओटीटी का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो इंडियन वेब सीरीज हो या कोई हॉलीवुड सीरीज। आजकल लोग सिनेमा घर जाने की जगह अपने फोन या टीवी पर फिल्में देखना पसंद करते हैं। अब जाहिर है, जब टॉप रेटेड कंटेंट आपको अपनी नेटफ्लिक्स पे ही मिल सकता है, तो इसके लिए पीवीआर पर भला कोई क्यों पैसे उड़ाए। बात चाहे फुल एक्शन मूवीज की हो, सीरियस क्राइम थ्रिलर सीरीज की हो, या फिर दिल को छू जाने वाली रोमांटिक सीरीज की, जनाब नेटफ्लिक्स पर सब कुछ अवेलेबल है, और इसलिए ये प्लेटफॉर्म ही अब इंडियन ऑडियंस का मिनी सिनेमा है। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसी नेटफ्लिक्स इंडियन वेब सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनका क्वालिटी कंटेंट बॉक्स ऑफिस की टॉप रेटेड फिल्म्स को भी पछाड़ सकता है। नंबर 10, बैड बॉय बिलियनेयर्स इंडिया। अपने ड्रीम्स को पूरा करना हर किसी का मकसद होता है। हर कोई अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जान लगा देता है, लेकिन कई बार जब आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लग जाते हो तो किसी दूसरे के साथ ज्यादती हो जाती है। और कुछ ऐसी ही कहानी बैड बॉय बिलियनेयर्स इंडिया वेब सीरीज की भी है, जिसमें भारत के 3 अमीर बिजनेसमैन की कहानी गढ़ी गई है। ये बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए सिस्टम से धोखा कर बैठते हैं। 3 एपिसोड्स की सीरीज में विजय माल्या, नीरव मोदी और सुब्रता रॉय सहारा की कहानी बताई गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके 3 एपिसोड्स को अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। वैसे ये एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री है। इसमें लगातार इंडिया में हुए बड़े बड़े घोटालों के क्रिमिनल्स के बारे में डिटेल्स में बताया है कि कैसे इन लोगों ने आम लोगों के पैसों के साथ घोटाला किया। अगर आपको इस इंटरेस्टिंग सीरीज का मजा उठाना है तो आज ही जाकर देखिए। नंबर 9, घोल। डर क्या चीज है ये किसी को बताया नहीं जा सकता, लेकिन ज्यादातर लोग किसी न किसी बात से जरूर डरते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डर के पीछे क्या है इसका पता लगाते हैं। आखिर डर क्यों लगता है? क्या हम कुछ अलग तरह की बातों से डर जाते हैं? इन बातों को जानने या ऐसी फिल्में देखने के लिए हर इंसान के अंदर एक अलग तरह का क्रेज होता है। नेटफ्लिक्स पर 24 अगस्त 2018 को रिलीज हुई वेब सीरीज घोल भी इसी डर पर बेस्ड है। घोल है क्या? इस वेब सीरीज के नाम से ही पता चलता है कि कोई शैतानी चेहरा है जो किसी भी बॉडी में घुसकर उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है। अरबी में इसे ही जिन कहते हैं। नेटफ्लिक्स पर टेलीकास्ट होने वाली घोल ऐसी पहली वेब सीरीज है जो हॉरर स्टोरी पर बेस्ड है। सीरीज की कहानी इंप्रेसिव और सस्पेंस से भरी नजर आती है। कहानी में हॉरर मसाला भरपूर है। डार्क स्टोरी में कई ऐसे ट्विस्ट मालूम पड़ते हैं जो लोगों का इंटरेस्ट आखिर तक बनाए रखते हैं। नंबर 8, शी। लव, लस्ट और क्राइम के कॉम्बिनेशन का तड़का लगाती शी एक ट्रेंडिंग वेब सीरीज है, जिसने साल 2020 में अच्छी खासी व्यूअरशिप बटोरी थी। हालांकि क्राइम जॉनर में कई वेब सीरीज पहले ही ऑडियंस के बीच पॉपुलर थी, लेकिन शी की स्टोरीलाइन रिकॉर्ड ब्रेकिंग साबित हुई। इस शो की कहानी एक फीमेल कांस्टेबल पर बेस्ड थी, जिसे एक केस में अंडरकवर एजेंट बनाया गया और इस दौरान इसे अपनी बैडएस साइड को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। कहानी में लीड की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड को जिस खूबसूरती से उतारा गया है, वो ऑडियंस को काफी पसंद आया। साथ ही कहानी में अदिति पोहांकर की रियलिस्टिक परफॉर्मेंस ने भी लोगों का दिल जीत लिया। अगर आप भी क्राइम जॉनर पर फोकस सीरीज के चाहने वाले हैं, तो ये सीरीज आपको सरप्राइज कर सकती है। नंबर 7, ताजमहल 1989। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था और हमेशा से हम सभी ने इसे प्यार के सिंबल के रूप में ही देखा है। ताजमहल के नाम पर बनी इस सीरीज में भी प्यार, मोहब्बत और नोक झोंक को दिखाया गया है, लेकिन ये सब आज के समय का नहीं है। पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा निर्देशित सीरीज ताजमहल 1989 में दिखाई गई प्रेम कहानियां उस वक्त की है जब न कोई मोबाइल फोन होता था और न ही सोशल मीडिया। उस वक्त चिट्ठी का दौर था, इसलिए सीरीज के नाम में 1989 जोड़ा गया है। इस सीरीज में 3 लव स्टोरीज को दिखाया गया है और ये तीनों ही प्रेम कहानियां अलग अलग है। तीनों की अपनी अपनी परेशानियां है, तीनों का अपना अपना तकरार है कि कैसे लोग उस जमाने में बिना फोन और सोशल मीडिया के एक दूसरे के लिए लॉयल हुआ करते थे। ताजमहल 1989 में कई हैरान करने वाले मोड़ आएंगे, जिन्हें देख आपको पूरी सीरीज में मजा आने लगेगा। नंबर 6, खाकी द बिहार चैप्टर। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। नेटफ्लिक्स में आई वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर का ये गाना खूब चर्चा में है।
ये वेब सीरीज आईपीएस अमित लोढ़ा की किताब बिहार डायरीज पर बेस्ड है। स्टेट में बढ़ते क्राइम के दौर में एक पुलिस अफसर और डेंजरस क्रिमिनल के बीच ताने बने को दिखाती है ये सीरीज। इंडिया के सबसे बड़े स्टेट में से एक बिहार में क्रिमिनल्स के खात्मे को लेकर बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर की स्टोरी उस समय की है जब लोकल माफिया का क्राइम बहुत बढ़ चुका था। स्टोरी के ज्यादातर कैरेक्टर्स पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। स्टोरी में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप इमोशनल हो जाएंगे तो कहीं कहीं आप गुस्से से लाल हो जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज में बहुत सारे सीन्स काफी डार्क दिखाए गए हैं जिन्हें प्रेजेंट करने का तरीका सचमुच काबिले तारीफ है। अगर अभी तक आपने ये ब्लॉकबस्टर सीरीज नहीं देखी तो क्या देखा, सारे कैरेक्टर्स ने शानदार एक्टिंग की है। नंबर 5, इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। क्राइम हमेशा से आम इंसान को अट्रैक्ट करता आया है। नेटफ्लिक्स पर इस टॉपिक पर ढेरों फिल्म्स, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखी जा सकती है, लेकिन ये स्टोरी एक ऐसे सनकी सीरियल किलर की है जो लोगों का मर्डर करके बॉडी को तिहाड़ जेल के बाहर फेंक जाता था और फिर पुलिस को चैलेंज देता था कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। बढ़ते हुए क्राइम को देख कंट्री की कैपिटल दिल्ली हिल गई थी और पुलिस के लिए ये केस एक चैलेंज बन गया था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडियन प्रेडेटर द बचर ऑफ दिल्ली बनाई है, जिसमें पुलिस ने किस तरह से केस इन्वेस्टिगेट की और उस क्रिमिनल तक कैसे पहुंची, इन सब के बारे में बताया गया है। सीरीज को बनाने के लिए मेकर्स की टीम को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। इसके रिसर्च के लिए कई बार तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा था जहाँ पर वो सीरियल किलर बंद था। ये सीरीज रियल क्राइम स्टोरी पर बेस्ड है जहां पर पुलिस और क्रिमिनल दोनों के पहलू दिखाए गए हैं। नंबर 4, कोटा फैक्ट्री। नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली सीरीज में से एक है कोटा फैक्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि पेरेंट्स के डिसीजन गलत हो सकते हैं पर उनकी नियत नहीं। टीवीएफ की नई वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री का ये डायलॉग सच ही है। इस सीरीज में उन स्टूडेंट्स के बारे में दिखाया गया है जो हर साल आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने कोटा आते हैं, लेकिन लाखों में से कुछ हजारों के ही सिलेक्शन होते हैं, बाकी के बारे में शायद ही कभी कोई बात करता है। ये सीरीज इंडियन स्टूडेंट की वो रियलिटी दिखाती है जिससे एग्जाम प्रिपरेशन करने वाला हर यूथ रिलेट कर पाता है। शो की कहानी वैभव नाम के कैरेक्टर और उसके दोस्तों पर बेस्ड है जो जेईई और नीट के प्रिपरेशन करने कोटा आते हैं और इस तैयारी में कई रियल लाइफ स्ट्रगल से गुजरते हैं। इस ड्रामा सीरीज के पहले सीजन को 2019 में रिलीज किया गया था, लेकिन कैरेक्टर्स की दमदार परफॉर्मेंस और स्टोरी लाइन ने शो को इतना पॉपुलर बना दिया कि टीवीएफ को इसका सीजन 2 भी लाना पड़ा और इसके सीजन 2 ने भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप के साथ ऐसी छाप छोड़ी कि जल्द ही क्रिएटर्स कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 पर भी काम कर रहे हैं। कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस जैसी सभी इमोशंस को टच करते हुए इस शो में वो सब कुछ है जो इसे मस्ट वॉच ड्रामा सीरीज बनाते हैं। नंबर 3, जामतारा 2। नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज जामतारा सबका नंबर आएगा का सीजन 1 ने अपने पहले एपिसोड से ही जलवा बिखेरना शुरू कर दिया था। ठीक उसी तरह सीजन 2 भी अपने ही रंग में है और अच्छी अच्छी वेब सीरीज का रंग दूसरे सीजन में उतरता ही उतरता है। लेकिन तारीफ करनी होगी वेब सीरीज जामतारा सबका नंबर आएगा के दूसरे सीजन के राइटर्स की, कि इन लोगों ने पहले एपिसोड से ही मामला जमा दिया है। मामला इस बार भी मेनली वही है कि गुमनाम नंबरों से आवाज बदल कर फोन करो, फोन उठाने वाले को तरह तरह की बातों में उलझाओ और किसी तरह उनके बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर, कार्ड के पीछे लिखा रहने वाला 3 अंकों का CVV नंबर और फिर मोबाइल पर आने वाला OTP नंबर हासिल करो। बस उसके बाद ना फोन करने वाले का पता और ना ही उसके फोन नंबर का। डिटेल्स बताने वाले का अकाउंट खाली हो चुका है। क्राइम से भरपूर और एक्टिंग से लबालब भरी ये सीरीज बहुत ही शानदार है। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो देर किस बात की, जाइए और जाकर देखिए। नंबर 2, कैट। रणदीप हुडा की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज कैट OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। इस फिल्म की स्टोरी ड्रग रैकेट पर बेस्ड है। हालांकि कहानी फिक्शन है पर इसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। क्राइम थ्रिलर से भरपूर इस सीरीज को IMDB ने 8.4 रेटिंग्स दी है, जिससे पता चल जाता है कि सीरीज किस कदर हिट रही है। पंजाब में ड्रग एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल टॉपिक है,
लगातार कोशिशों के बावजूद पंजाब गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 30 लाख से अधिक लोग या लगभग पंजाब की 15.4% पॉपुलेशन ड्रग का यूज करते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी सीरीज में बहुत अच्छे से डाले गए हैं। आप सीरीज को देखने के बाद बोर नहीं हो सकते, ये बात पक्की है। बाकी तो रणदीप हुडा की एक्टिंग आपका दिल खुश कर देगी। वेब सीरीज कैट के जरिए अभिनेता रणदीप हुडा ने OTT डेब्यू किया है। इसमें वो लीड रोल में नजर आएंगे। नंबर 1, सेक्रेड गेम्स। एक किताब के करीब 900 पेज की स्टोरी, जो किसी शहर का 40 साल का हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इतिहास भी है, उसे एक वेब सीरीज में समेटना मुश्किल काम है। बता दें कि सेक्रेड गेम्स नॉवल को वरुण ग्रोवर और उनकी टीम ने साथ मिलकर एक सीरीज में बदला और उसे नेटफ्लिक्स के जरिए दुनिया भर की ऑडियंस को दिखाया, तो उन्हें ये बहुत पसंद आई। इस कहानी को अनुराग कश्यप और उनकी टीम ने बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया और ये हमें सीरीज के फर्स्ट सीन से ही देखने को मिल जाएगा। इस सीरीज का हर एक कैरेक्टर उभर कर आया है। सभी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि आप अगर इस सीरीज को देखेंगे तो बिंज वॉच करने से रोक नहीं पाएंगे। इस सीरीज में आपको सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सीरीज सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि विदेशों में काफी लोगों द्वारा इसे देखा गया है। सबसे मजेदार बात यह भी है कि इस सीरीज के काफी सारे डायलॉग पर सबसे ज्यादा मीम्स बने हैं। इतना ही नहीं, नवाजुद्दीन की शानदार एक्टिंग और कमाल की स्टोरी लाइन ने ऑडियंस को बांध कर रख दिया। अनुराग कश्यप की इस वेब सीरीज ने नेटफ्लिक्स को भारत में पॉपुलर बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये थी इंडियन सिनेमा की कुछ दमदार वेब सीरीज जिन्होंने नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रखी है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर किस वेब सीरीज ने आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच किया है और कौन सी वेब सीरीज का आपको इंतजार है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।